सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18। एक पंचभुज शुंडाकार जिसकी भुजा 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, जो क्षितिज धरातल पर अपने आधार पर खड़ा है। उसकी एक भुजा XY के साथ बाईं ओर 30 डिग्री का कोण बनाती है, उसका सामनी और ऊपरी दृश्य बना। तो इसमें मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, और आज मुझे मेरे परम श्रद्धे श्री तीर्थ राम जी है, उन्ना से है, मैं उनके चरणों में शशद नमन करता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे आज टिप्स बताए, जिसमें मैं आगे जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि वीडियो में सुधार हुआ है। जैसे मैं डार्क लाइनें जो अंसर रेखा है वो थोड़ी उतनी डार्क नहीं होती थी, तो आज से आप जो भी वीडियो देखेंगे उसमें वो लाइनें डार्क मिलेगी आपको, 6th to 10th क्लास तक की जितनी भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। और इसमें उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया था कि जैसे इसमें लिखा हुआ है बाईं ओर को 30 डिग्री का आपने कोण बनाना है, तो आप दाईं ओर को भी बना सकते हैं, दोनों साइड बना सकते हैं, किधर को भी बना लो, कहीं से भी आपने 30 डिग्री लेना है, बाएं से लो चाहे दाएं से लो। इसमें एक्चुअली में बाएं से पूछा हुआ है, अगर आप दाएं से भी लेंगे तो सिर्फ इतना फर्क रहेगा कि आपकी आकृति उल्टी हो जाएगी, पर आपका उत्तर गलत नहीं होगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस तरह से गाइड किया, और मैं आगे भी आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे मेरा मार्गदर्शन जरूर करेंगे, मुझे सही दिशा में जरूर लेके जाएंगे। तो सर एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों चलो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, और मैं ले लेता हूं XY लाइन। ये मैं रेखा ले लेता हूं ये आपकी एक्स और वाई है। जैसे सर ने कहा है मैं वो आपको बता देता हूं, जैसे इसमें कहा है 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो आपके पास एक सेस्केर है, मैं सेस्केर का ही यूज करूंगा। मैं ज़्यादातर यहाँ से हम 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, इस तरह से हम यहाँ पर रेखा ले लेते हैं ये, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है इसमें पंचभुज, तो यहाँ तुम तो यहाँ पे मैं पेंटागन बना दूँगा, बट यदि आप इधर को ले लेते हैं तो भी गलत नहीं। यदि आप इधर को ले लेंगे लाइन, ये देख लीजिए इधर को आप लाइन ले लेंगे तो यहाँ पे पेंटागन बन जाएगा, तो कोई इसमें मुश्किल नहीं, यहाँ से आपका पंचभुज बन जाएगा और आकृति आपकी यहाँ बन जाएगी, उत्तर इसका बिल्कुल सही रहेगा, सिर्फ आपका एंगल चेंज हुआ है। अभी मैं वैसा ही बना लेता हूँ जैसा बुक में दिया हुआ है, ताकि आप लोग उलझे नहीं। पर यह सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि सर ने मुझे गाइड किया, और इससे हमें एक जो सीख मिलती है कि हमें कभी भी लकीर के फकीर नहीं बनना है, सर की तरह हमें भी फ्री माइंड कार्य करना है, और अपने जो आपके अंदर एक टैलेंट है आप बच्चों उस टैलेंट को बाहर निकालिए, और सर के दिए हुए निर्देश के हिसाब से आप कार्य कर सकते हैं। सर ने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि आप दाएं से बनाओ चाहे बाएं से बनाओ, बच्चा उलझ जाता है कई बार, बच्चे को ध्यान नहीं रहता है कि दायां बायां मैं कैसे निकाल दूं, तो आप कहीं से भी बना सकते हैं, सिर्फ आपकी आकृति थोड़ी चेंज हो जाएगी, अपोजिट साइड चली जाएगी, पर आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। मैंने कल भी यहाँ बताया था कि हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो है वो डॉटेड लाइन लगानी है, डॉटेड लाइन हमेशा सहायक रेखाएं होती है, तो थोड़ी मैं ज़्यादा मिटा दी, तो मैं 2 से लेकर 1 तक जो है वो डॉटेड लाइन लगा लेता हूँ इस तरह से, यहाँ से आगे मैं सहायक रेखा लगा लेता हूँ, ये आपकी डॉटेड लाइन है। अब हमने यहाँ पे पंचभुज बनाना है, तो पंचभुज का एक कोण जो होता है वो 108 डिग्री का होता है, तो इसको बनाने के लिए हमारे पास सेट स्क्वायर कोई नहीं है जिसमें कि 108 डिग्री हम माप सकते हैं, तो हमने क्या करना है, डी आपकी इस तरह है, हम इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और यहाँ से पहले हम यहाँ से कौन नापेंगे, यहाँ से इधर से, तो ये आपका आपका 90 है, इधर से ये आपका 100 है, ये आपका 110 है, और हमने लेना है 108, तो मैं यहाँ क्लिक पेंसिल का यूज करूँगा, और यहाँ से मैं 109 108, ये मैंने यहाँ काट दिया है, इसको मैं मिला लेता हूँ डॉटेड, हल्का मिलाऊंगा, अभी डॉटेड भी नहीं, हल्का मिलाऊंगा, और चेक करूंगा कि क्या मेरा प्रश्न सही है,
जो मैंने एंगल लिया है क्या वो मेरा सही है। ये मैं बिठा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मेरा सही आ रहा है। ओ सॉरी हिल गया था। ये देखिए ये 10, 9 और 8 बिल्कुल सही है। और अब मुझे काटना है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर दूरी है तो मैं 2.5 सेंटीमीटर काट लेता हूँ यहाँ से नाप करके। ये देखिए ये 2.5 सेंटीमीटर की दूरी है इसकी, ये मैंने काट दिया है 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी मैं जो है वो 108 डिग्री का कोण बना देता हूँ। अब मुझे यहाँ से नापना है क्योंकि ये इधर को बनेगा तो इधर को कोण इसका बनेगा, तो यहाँ से आपका 90, 100, 110 और ये 108 आपका आ रहा है। मैं इसको मिला देता हूँ, हल्का मिलाऊंगा, मैंने हल्का मिला दिया है। मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये आपका 110, 109 और 108 तो ये हमारा सही है। अब हमने 2.5 सेंटीमीटर जो है ये भुजाएं आगे काट देनी है, तो मैं प्रकार खोल के कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैं यहाँ पे लाइन लगा दूंगा, यहाँ पे भी मैं इसमें एक चाप लगा दूंगा। और मैं अब क्या करूँगा, जो हमारी ये रेखा है इनको मैं मिटा देता हूँ। और अब जहाँ पे ये चापे लगी है, मैं नाम अगर साथ साथ देना चाहूँ तो ये आपका ए है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका पॉइंट आ गया सी, ये आपका पॉइंट आ चुका है यहाँ पे ई, जो बुक में दिया है मैं उसी के हिसाब से अभी कार्य कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं चाप पे लगा देता हूँ, इस चाप को मैं यहाँ से काट देता हूँ, ये आप देख रहे हैं इसको मैं मिला देता हूँ, ये आपका पॉइंट आ जाता है ई। इसको मैं थोड़ा मैं ठीक सी लाइन में लगा देता हूँ, बिल्कुल ही मैंने फीका लगा दिया था। ये आपका पंचभुज बन के तैयार हो गया है, ये आप देख सकते हैं। अब ये जो पंचभुज है ये आपका है शुंडाकार, शुंडाकार मीन्स जो आपके ये एंगल है इनका आपने आधा करना है। तो आधा करने के लिए मैंने कल आपको बताया था, एक आसान सा तरीका मैंने बताया था, ये 2.5 सेंटीमीटर रेखा है ये आप देख सकते हैं, तो इसका आधा कितना होगा हमारा 1.1 जो है उसका 2.5 फिर हमने करना है इस तरह से। यहाँ पे ये 1.5 है तो 2 का आधा 1 हो गया, और ये जो आधा है इसका आधा फिर हमने करना है, तो ये 2 और 2 से आधा इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। एक दो। यदि आप और ज्यादा वेरीफाई करना चाहें तो आप ऐसे भी नाप सकते हैं, ये देखिए ये आप ऐसे निशान लगा लो, ऐसे निशान लगा लो, आप इसको नाप करके ऐसे आप निशान लगा दो। तो यहाँ आप हाफ करेंगे, ऐसे चाप लगाएंगे, फिर आगे चाप लगाएंगे, फिर आगे चाप लगाएंगे, फिर मिलाएंगे, फिर इतनी ज़्यादा इसमें जो है वो गंदा सा हो जाता है हमारे आकृति। तो ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है इस तरह से कार्य करने का। तो हमने क्या करना है, अब इनको हमने मिला देना है इस तरह से डॉटेड हम मिला देते हैं। फिलहाल हल्की लाइन से लगाएंगे, बाद में डार्क हो जाएगी पर हल्की लाइन से अभी पहले मिला देते हैं इसको। अब ये हमारा थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ से बनेगा,
तरह से बनेगा। और इस कोण का हाफ भी कर ही देते हैं, यहाँ बनेगा इस कोण का हाफ। ये यहाँ नहीं लगनी थी लाइन, ये लाइन हमारी यहाँ लगनी थी, यहाँ पे लगनी थी ये लाइन हमारी, ये यहाँ पे हमने ये इस तरह से। अब मैं इन लाइनों को थोड़ा सा हल्का, ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से मैंने ये मिला दिया है। इसका हब जल्दी हो गया, ये पॉइंट आपका आ गया है ओ। अब आपने क्या करना है, इनके प्रोजेक्शन लेने हैं ऊपर। तो हमने क्या करना है, मैंने कल भी आपको बताया था कि इस तरह से हम जो सैड स्क्वायर है वो हम ए बी रेखा एक्स वाई के साथ ऐसे लगा देंगे। और यहाँ से हम जैसे हमने डी का लेना है बी का लेना है, तो इस तरह से सबसे पहले हम इसका जो प्रोजेक्शन है पहले हम एक्स वाई तक ही ले जाएंगे। सी जो भी नज़दीक हमारा आ रहा है ये आप देख सकते हैं, तो हमारा है ओ, ओ का ले लेते हैं, आप देख सकते हैं ये ए, ये आपका ए आ गया। उसके बाद आपका ये ए बी सी और ये हमारा है डी, ये हम डी का प्रोजेक्शन ले लेते हैं। ये हमारा है ई, ई हमने ले लिया। अब हमारे पास इसकी हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो जो आपका ये बीच वाला है ये ओ वाला, ये आप साथ साथ नाम देने चाहे तो इसमें आप नाम दे दो, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका ओ है, ये आपका ए है, ये आपका डी है, ये आपका ई है। तो ओ जो है ओ को हमने 4 सेंटीमीटर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर रेखा लगाएंगे डॉटेड, इस तरह से ये हमारी 4 सेंटीमीटर रेखा आ गई। और ये आपका ओ और इसमें 2 यति आ जाएंगी आपकी। अब हमने देखना है कि इसमें जो है वो डॉटेड लाइन पहले कौन सी आनी है, तो ये बाहर से दिख रहा, ये भी दिख रहा, ये भी दिख रहा, ये भी हमें दिख रहा, ये ए वाला जो कॉर्नर है ये हमें नहीं दिखेगा। तो ये हमारी जो रेखा वो डॉटेड आ जाएगी इस तरह से। बाकी हमारी सारी लाइनें जो है वो डार्क आएगी। तो डी को भी मैं ओ के साथ डार्क मिला देता हूँ, ई को भी मैं डार्क मिला देता हूँ। यहाँ से आपका सी है, सी को डार्क मिला देता हूँ, बी को भी मैं डार्क मिला देता हूँ। इस तरह से हमारा जो है वो पंचभुषुंडाकार बन के तैयार हो गया है। और यदि आप इसको यहाँ से लेते 30 डिग्री का कोण तो उल्टा हो जाएगा, तो को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका है प्रश्न नंबर 18। अगला आपका है प्रश्न नंबर 19। षटभुज शुंडाकार का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि शुंडाकार अपने आधार पर क्षितिज धरातल पर बाईं ओर 30 डिग्री का कोण बनाती है। भुजा 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो इसमें आपने क्या करना है, हमने सबसे पहले लेना है षटभुज। षटभुज से पहले हम लेंगे एक्स वाई लाइन, ये हमारी आ गई एक्स वाई लाइन, एक्स है, ये पॉइंट हमारा है वाई। अब हमने बाईं ओर को 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये हमारी जो सेट स्क्वायर है इसमें 30 डिग्री का कोण हमारा पहले ही बना हुआ है यहाँ से। तो हम यहाँ से एक रेखा ले लेते हैं, इस रेखा को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देते हैं, एक सेंटीमीटर तक हम इसको डॉटेड लगाएंगे। ये हमारा आ गया ए पॉइंट।
मतलब हमने इसकी जो भुजा है वो है 2 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ से 2 सेंटीमीटर की रेखा ले लेनी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया। और अब हम सेट स्क्वायर से ही जो है वो आगे कार्य करेंगे। ये जो हमारा कोण है ये हमारा है 60 डिग्री का कोण है, हम इसको ऐसे यहाँ पे लगा देंगे सेट स्क्वायर को इस तरह से। और हम यहाँ से एक रेखा खींच लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे भी हम इसी तरह से करेंगे। ये हमारा है 60 डिग्री का कोण है, क्योंकि जो आपका षडभुज होता है उसका बाह्य कोण 60 का और आंतरिक कोण 120 डिग्री का होता है। यदि आप वेरीफाई करना चाहें तो मैं वेरीफाई करके भी आपको दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो 120 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा 120 डिग्री आएगा। ये देखिए ये आपका 120 डिग्री आ रहा है, हमें इसको 2 सेंटीमीटर तक काट देना है। दो सेंटीमीटर है, ये आपका 2 सेंटीमीटर। और यहां से हम फिर जो है 60 डिग्री का कोण बना देंगे। ये देखिए, और यहाँ पे भी हम 60 डिग्री का कोण बना देंगे, इसको हम 2 सेंटीमीटर तक काट देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे देखिए पूरा पूरा 2 सेंटीमीटर जो हो बच गया है। इसको मैं मिला देता हूँ और हम इसके कॉर्नर को आपस में मिला लेते हैं, क्योंकि ये शंकु है तो शुंडाकार है, इसके जो सारे कोने हैं वो एक ही बिंदु पे मिलने हैं ऊपर। आप ये देख सकते हैं ये आपका पॉइंट आ गया ओ। मैं इस शंकु का नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये ई है, ये आपका एफ है। और हमने अब क्या करना है, सेट स्क्वायर से जो है वो इसके प्रोजेक्शन खींचने हैं। तो ये अगर आप देखते हैं तो बी और सी का एक ही प्रोजेक्शन आपका आ रहा है एक्स वाई रेखा पर, डी ओ ए इन 3 पॉइंट का एक ही प्रोजेक्शन आ रहा है, और ई और एफ का भी एक ही प्रोजेक्शन आ रहा है। और ऊपर मैं यहाँ नाम दे देता हूँ सी और बी, यहाँ हम नाम दे देते हैं ए ओ और डी, यहाँ हम नाम दे देंगे एफ और ई। अब आपने ये जो आपका सेंटर वाला है इसको उठाना है 4 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम इसको यहाँ पर डॉटेड लगा देंगे। ये मैं आप बता रहा हूँ ओ जो पॉइंट है वो आपका डॉटेड आ गया, उसके बाद ये जो डी पॉइंट है ये आपका डार्क आएगा। पहले मैंने डॉटेड आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाया था, मैंने डार्क सीधा ही नहीं लगाया। ये देखिए यहाँ पे ए भी डॉटेड आना था, ओ भी डॉटेड आना था, पहले मैंने डॉटेड लगाया फिर मैंने जो है वो डी को डार्क कर दिया। अब यहाँ से ये भी दिख रहा, ये दिख रहा, ये तो इसके पीछे छुप गया, एफ ई के पीछे छुप गया, फिर भी ये हमें डार्क ही दिख रहा है, तो हमने ये डार्क लगा रहे हैं क्योंकि हमें बाहर वाले पॉइंट आपके दिख रहे हैं। ये और ऊपर आप ओ को ये तरीके से बता सकते हैं। ये आपका है प्रश्न नंबर 19।